क्वेश्चन नंबर फोर, कौशिक कॉर्पोरेशन हैज परचेज द मशीन फॉर रुपीज 1,24,000 ऑन 1/4/2012. यू वुड लाइक टू राइट डाउन ओवर हियर 1/4/2012 परचेज द मशीन 1,24,000. द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाज रुपीज 16,000. सो शैल वी राइट डाउन 16,000 रुपीज कैरेज एंड इंस्टॉलेशन. द रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज 20,000 वाज इनकर्ड बिफोर पुटिंग दिस मशीन फॉर प्रोडक्शन. Is also expense done at the time of buying a machinery. बराबर है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एड ही करेंगे, चाहे वो रिपेयरिंग हो या कुछ भी हो. On 1/10/2013, second machine was purchased. Please check friends, 1/10/2013 purchase one more machine for rupees 1,36,000. जहाँ पे installation expense हुआ है 8,000 रुपए. First machine was sold on 30th September 2014. 30th September 2014 sold machine number 1 at 40% loss. मिला सबको? Prepare machinery account up to 31st March 2015 and show its accounting effect in the annual accounts of 2012-13. 12-13 मतलब पहले साल की बात चल रही है. First year में हमें final account करके भी दिखाना है और बाकी machinery account. Company provides depreciation on machinery at the rate of 10% every year on straight line method. Shall we write down over here depreciation at the rate of 10% SLM? Now friends, believe me, the most important part in this question is now working mode. Because things in accounting treatment is going to remain the same. Jab bhi purchase karoge, debit mein, depreciation aega, credit mein, closing balance yahan pe aega, opening ya carry forward hoga. There will be nothing new. There will be nothing new as far as accounting treatment is concerned. जो भी अच्छी बात है, जो भी काम करना है, वो कहाँ करना है? Working note के अंदर करना है. दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ. In all the previous examples, आप मशीन खरीदते थे, फिर हर साल दो तीन साल तक depreciation लगा देते, और साल के last वाले दिन पे उन्होंने बोला है sell कर दो, हम sell कर दो. So things were really very easy. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने एक तो दो मशीन परचेस किए, उसमें भी दूसरा मशीन तो साल के बीच में से परचेस हुआ है. देखा आप लोगों ने, हर कोई चीज साल के बिगिनिंग में परचेस हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं ना परचेस. तो उसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन से लेके कंप्लीटली हर एक वर्किंग नोट के अंदर बहुत प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना है. व्हेनेवर यू फील दैट द क्वेश्चन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, I recommend to make list of the dates on which transaction happens in chronological order. That means what line में कौन कौन से transaction आते हैं उसका हम लोग एक list बनाएंगे. Completely concentrate over here. Can I say 1/4/2012 machine 1 purchase किया आपने? Okay. Just write down. Can you tell me first year complete कब होगा? 31st March 2013 आपको लगेगा सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप 31st March 2013 एग्जैक्ट ऐसी डेट क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो डेट डेप्रिसिएशन की डेट है और मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब अरेंज करना है, तो मैं देखना चाहता था अगर उससे पहले मान लो कोई नया मशीन परचेस किया है तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सो 31st March 2013 कहना ही से डेप्री की एंट्री आएगी ईयर एंड. ओके, अब ये 31st March 2013 के बाद ईयर कब खत्म होता है? ईयर कब खत्म होता है? नेक्स्ट ईयर 31st March 2014. लेकिन उससे पहले क्या कुछ है? सेकंड है. क्या कुछ है? क्या दिया हुआ है? 1/10/2013 को आपने मशीन नंबर 2 परचेस किया है. ऑलराइट, ईयर कब खत्म होता है? 31st March 2014. अब बीच में और कुछ नहीं आ रहा है. शैल आई राइट डाउन 31st March 2014 डेप्रिसिएशन? ओके टेल मी, इसके बाद वाला साल कब खत्म होगा? 31st March 2015. उससे पहले क्या कुछ है? सेल ऑफ द मशीनरी 30th September 2014 M1 sale, M1 that is machine 1 sale, and 31st March 2015 को क्या होगा? Finally depreciation होगा.
लेट मी टेल यू, इससे ज्यादा एक भी ट्रांजेक्शन पूरे क्वेश्चन के अंदर नहीं। अब सोच लो, मैंने सारा मशीन परचेस का ट्रांजेक्शन था वो भी इंक्लूड कर लिया, मैंने उसके बाद डेप्रिसिएशन के भी सारे ट्रांजेक्शन इंक्लूड कर लिए, मैंने सेल ऑफ मशीन का भी ट्रांजेक्शन इंक्लूड कर दिया, सब आ गया। तो मुझे अब क्या करना है, एक एक करके इसकी सीक्वेंस में मुझे ट्रांजेक्शन खत्म करना। Now one more important point to discuss, and let me tell you, it is specifically for straight line method. ये जो मैंने dates का list बनाया ना, वो तो हर एक sum के लिए important है। कभी भी complication बढ़ जाए ना, आपको क्या करना है, बस दो मिनट निकाल के date का list बना दो, so that कोई transaction skip नहीं होगा और line to line सारे transaction खत्म। लेकिन अब जो मैं instruction देने जा रहा हूँ, वो instruction स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मेथड के सम के लिए ही दे रहा हूं। ध्यान से सुनो, यू नो वेरी वेल, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग जो हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट होता है उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, हाय ना, और एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम, करेक्ट और नॉट करेक्ट? करेक्ट, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 1,00,000 रुपए में एक कार परचेस की, सबका याद है, अगर मैंने 1,00,000 रुपए में एक कार परचेस की है, एंड 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द एनुअल डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपीज, 1,00,000 में हमने कार परचेस की थी, 10% इज द एनुअल डेप्रिसिएशन रेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हर एक साल कितना होगा डेप्रिसिएशन? 10,000 एवरी ईयर। पहला साल होगा तो भी 10,000, दूसरे साल में कितना होगा? 10,000, फिफ्थ ईयर में भी कितना होगा? 10,000, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सर अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर में कार को 6 महीने यूज करके बेच देता हूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर में कार को 6 मंथ्स यूज करके बेच देता हूं, तो तब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 मंथ्स का लगेगा। लेकिन 6 मंथ्स कैसे काउंट करेंगे हम लोग, पता है एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000। तो 6 मंथ्स का कितना? 5,000। तो कहना इससे मेरे पास हमेशा एनुअल डेप्रिसिएशन की डिटेल होनी चाहिए, सो दैट अगर आप कभी 4 महीने यूज करके बेच देते हो तो भी मैं उसको प्रपोर्शन कर दूंगा, 6 महीने यूज करके बेच देते हो मैं प्रपोर्शन कर दूंगा, वो सब मैं करता रहूंगा। सो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, डिफिकल्ट एग्जांपल में सबसे पहला काम ये करो, दूसरा काम डेट की हायरार्की डिसाइड करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तीसरा काम जितने भी मशीन है, ओके कैन यू टेल मी यहां पे कितने मशीन है? दो मशीन है, जितने भी मशीन है उनका एनुअल डेप्रिसिएशन पहले से काउंट करके रख दो। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, मशीन 1, कैन यू टेल मी मशीन 1 की परचेस कॉस्ट कितनी है टोटल? 1,60,000, और उसका 10% अगर है SLM का, तो कैन आई से एनुअल डेप्रिसिएशन इज फिक्स, ईयरली इतना होगा। मान लो कभी मैंने 6 महीने यूज किया तो मैं इसका आधा कर दूंगा, लेकिन ईयरली एक बार फिक्स है, ईयरली तो इतना ही होगा डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ मशीन 2 की कॉस्ट कितनी? 1,44,000, और उसका 10%, तो ईयरली डेप्रिसिएशन कितना होगा? 14,000। इज इट डन? This is just a part of working out. हम लोग इसको इतना यहाँ पे लिख के छोड़ दें। अब start करते हैं actual exam. That is actual working out. यहाँ पे ध्यान, अगर आपके पास दो machines हैं, तो मैं clearly यहाँ पे दो columns prepare करूँगा। कौन से दो column? एक के heading में लिखेंगे machine 1, और दूसरे के heading में क्या लिखेंगे? Machine 2. And how to solve the question? यहाँ पे ध्यान सबका, how to solve the question? सबसे पहला क्या है? 1/4/2012 को आपने क्या किया है? मशीन 1 परचेस, लेट मी राइट डाउन 1/4/2012 परचेस ऑफ मशीन 1, टोटल अमाउंट बोल दो कितना है? 1,60,000। आई विल पुट 1,60,000 ओवर हियर। कैन आई से दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मशीन 2 का तो बर्थ ही नहीं हुआ है, 1/4/2012 को तो नहीं ना मशीन 1, मशीन 2 सॉरी। इसके बाद क्या नंबर आता है ट्रांजैक्शन के डेट में, लिस्ट में? 31/3/2013। क्या करना है यहाँ पे ध्यान, कि नहीं से 1/4/12 से 31/3/13 पूरा साल है, तो मुझे बताओ मशीन 1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है?
16,000 हमारे पास तो रेडीली काउंटेड पड़ा है, ये तो मशीन ही नहीं था तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज लेफ्ट, 1,413 बैलेंस। नाउ फ्रेंड्स लाइन में क्या दिख रहा है आपको, मशीन टू परचेस किया, डेट कौन सी है 1,10,2013। देखो जब डेट अलग होता हम लोग यहाँ पे भी डेट लिखेंगे 1,10,2013। मशीन को कितने में परचेस किया, कितने में परचेस किया, 44,000 में। ये हो गया ट्रांजेक्शन, जितने ट्रांजेक्शन हो जाते टिक मार्क करो। नेक्स्ट डेट कौन सी दिख रही है, 31st March 2014। I'll write down 31st March 2014. क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुझे बताओ ये तो पूरा साल है, ये तो पर्टिकुलरली पूरा साल है, मुझे बताओ मशीन वन का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, आई गिव 16,000 ओवर हियर, एंड मशीन टू का एनुअल कितना था, 14,400 था, वो बात सही है, लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पे टाइम कितना हुआ है, काउंट कर लो, अक्टूबर में लिया था तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ओनली 6 मंथ, मुझे बताओ पूरे साल का 14,400 तो 6 मंथ का कितना, 7,200। गेट द बैलेंस शीट फिगर 128 136 800। ये डेट कौन सा आ गया, 1,414 का बैलेंस हो गया दोनों का, डन। अब क्या होता है, ये हो गया ना, अब क्या होता है, एग्जैक्टली मशीन वन सेल होता है, लेकिन आपने डेट नोटिस की, वेरी इंटरेस्टिंग, 30th September 2014। सबका ध्यान यहाँ पे, कहना इसे मशीन वन बीच में से सेल हुआ है, जब भी सेल हो जाए ना आप रूटीन से उसको अलग कर दो, मैंने अभी अभी आपको गाइड किया ना, रूटीन से उसको अलग कर दो, 1,414 को उसका बैलेंस कितना था, 128,000। आप कौन से डेट को बेचना चाहते हो, 30th September 2014। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आप बीच में से बेचना चाहते हो तो जितना टाइम आपने यूज किया उतने टाइम का डेप्रिसिएशन अप्लाई करना पड़ेगा, आप अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे। मान लो अगर मैंने 5 महीने के लिए मशीन यूज किया, मैं 5 महीने का डेप्री अप्लाई करूंगा, 6 महीने के लिए यूज किया, 6 मंथ का अप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्या सकता, अगर मैं यहाँ पे 1st April से 30th September, कैन वी से 6 मंथ, मुझे बताओ पूरे साल का डेप्री कितना था, तो 6 मंथ का कितना, 8,000। So I will put 8,000 depreciation. So revise or I can say book value कितनी आ गई अब, 1,20,000। Friends remember बीच में से कभी भी sale होता है ना तो till date depreciation count करना पड़ता है, till date जब तक हमने use किया उस date तक। अब 120,000 की book value वाले machine को कैसे sale करना है friends? 40% loss से, loss यानी less करूँ, 40% यानी कितना, 48,000 can count. 72,000 is the selling price. Friends, remember, यहाँ पे मुझे official journal entry नहीं पूछी गई है, फिर भी मैं sale की journal entry तो बना के ही रहूँगा। मुझे बताओ sale करके कितना cash में हाथ में आया? 72,000. I can write down bank account debited 72,000. Loss किया है तो P&L account debited 48,000. And two can I write down machine account? कितना? 1,20,000. Machine account कितना आएगा? 1,20,000। सब लोग हो यहाँ पे, सब लोग हो यहाँ पे। 30th सितंबर को मैंने क्या कर दिया, मशीन वन का अप्रोप्रिएट डेप्री काट के लॉस प्रॉफिट जो भी था वो काउंट करके सेल भी कर दिया, एंट्री भी लिख दी, यानी से दिस ट्रांजैक्शन इज कंक्लूडेड। नेक्स्ट इज व्हाट, 31st March 2015। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, यानी से ये तो मशीन ही नहीं है तो अब डेप्री का कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो चला गया, इसलिए अब आप समझे मैं क्यों इसको थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसके सामने देखेंगे, कैन यू टेल मी इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, 14,400। और अब तो पूरा साल है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा साल है ना, सो 14,400 इज द डेप्रिसिएशन। ये इतना बैलेंस फाइनल मशीनरी अकाउंट में आएगा वो मुझे पहले से पता, क्यों, क्योंकि ये एक ही मशीन बचा है तो इतना बैलेंस आना चाहिए, बाकी सबको सेल हो गया। नाउ लेट्स वेरीफाई हाउ टू मेक लेजर अकाउंट। लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर सीक्वेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब मैं सम रीड करता हूं
तब ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अब सम रीड हो गया, आपने देखा होगा मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक भी ओपन नहीं की दूसरी बार, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वॉज नोटेड डाउन ओवर हियर। ये करने के बाद इसके बेसिस पे हम डेट की हायरार्की बनाएंगे। ये हो गया, ट्राई टू विजुअलाइज। इसके बाद इन दोनों के हेल्प से आई विल मेक द एंटायर वर्किंग नोट। ये हम लोगों ने, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट आई विल मेक एंटायर मशीनरी। Things are going absolutely in sequence, so please don't break it. Confidence को ज़्यादा आ जाए, फिर अगर आप ऐसा सोचोगे ना, नहीं बनानी working note, let's do it as it is. There are very bright chances that you will make mistakes. समझ में आ रहा है सबको? चलो यहाँ पे ध्यान। 1/4/2012 को आपने purchase किया था। देखो ये line में ही जाएंगे हम लोग, पूरा line में जाएंगे। यहाँ पे ध्यान। Purchase किया था, तो जब वो जो छोटा amount होगा, वो cash से और बड़ा amount bank से। There will be 1,24,000 bank से. And 20 plus 16, that is 36,000 cash. पक्का? देख लो यहाँ पे, पूरा लाइन खत्म। नेक्स्ट लाइन चेक करो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से असेट प्लस या माइनस, क्या लगता है? माइनस। 31st March 2013 by depreciation that comes to 16,000 rupees. Can I say साल खत्म होने की लाइन है ये? जब भी साल खत्म होगा, I need to make total. I have to find out balancing figure 144,000 by closing balance on 31st March 13. I will get 1413 true opening balance. It is 1,44,000. Is it done? ठीक है? Next, यहाँ पे देखो 1413 का balance तो आ गया automatically. लेकिन ये जो purchase किया है उसकी entry रखनी पड़ेगी. वो कौन सी date को है? 1013 लाइन में जा रहा है, मैं इस लाइन को वेरीफाई कर रहा था, ये तो आ गया, लेकिन इसकी एंट्री अब मुझे करनी पड़ेगी डेट के हिसाब से। 1013 टू बैंक, बड़ा अमाउंट कितना है? 1,36,000 एंड ऑन 1013 टू कैश 8,000। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट, हो गया ये पूरा लाइन खत्म। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। डेप्री दिख रहा है, दो बार दिख रहा है, सेम डेट, कोई बात नहीं, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान, 31st March 2014 by depreciation, यानी ये कितना है और ये कितना है? 23,000। कैन वी से ये लाइन किस चीज की है? यार एंड हुआ, मुझे भी टोटल करना पड़ेगा, मेक द टोटल। टू लेके 8,000, टू 64,800 बाय क्लोजिंग बैलेंस 31,314, यहाँ पे 1,414 टू ओपनिंग बैलेंस 264,800। इज इट डन? अब लाइन में चेक करो, तो लाइन में तो देखो ये 31st March 2015 है, लेकिन उसके बीच में ये सब हुआ है, तो इसकी एंट्रीज देनी पड़ेगी क्योंकि डेट के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। सो 30th सितंबर को पहले एक बार हमने डेप्री लगाया था, सो 30th सितंबर आई विल कीप लाइक दिस बाय डेप्रिसिएशन, इट वाज 8,000 रुपीस, करेक्ट? कैन वेरीफाई ओवर हियर इन द वर्किंग नोट। देन 30th सितंबर को सेल किया, उसकी एंट्री रेडी है, पोस्टिंग बताओ मुझे मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक बाय पी एंड एल 30th September 2014 by bank and by P&L 30th September 2014. That will be 72,000 and 48,000. Can I say ये जो बीच में जो पूरा सेल का था वो पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, मैं वापस चला जाऊंगा 31st March 15 को, क्या है? Depreciation 31st March 15 by depreciation it is 14,000 400, make this total 264,800. You will have 264,800 at the balancing figure. $122,400 by closing balance 31st March 2015. You can verify. यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वही आंसर आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? 1,22,400. Is it fine with everyone? Please write it down carefully.